नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आरपीटीवी न्यूज़ के लेटेस्ट अपडेट और खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वहीं पास ही में बड़वानी जिले के ठिकरी जनपद के अंदर काकरिया ग्राम पंचायत सरपंच हट धर्मी से कर रहे ग्राम में कार्य। 8 इंच सीसी रोड खरंजा की जगह बना रहे बिना बेस के 3 इंच रोड। ग्राम पंचायत काकरिया सचिव मनोहर से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम में बासु के मकान से लाल सिंह के मकान तक बना सीसी रोड खरंजा गुणवत्ताहीन के साथ साथ 3 इंच तक बन रहा है, जो कि नियम के अंतर्गत करीब 8 इंच का बनना चाहिए, जिसमें 4 इंच का बेस और 4 इंच का स्लैब होना चाहिए। मौके पर स्थिति यह बनी हुई है कि यहाँ बेस नहीं हुआ है और स्लैब बना हुआ है, वो भी 3 इंच का बना हुआ है। वहीं खरंजिया को लेकर ग्रामीणों में रोज देखा गया। ग्राम के लाल सिंह ने बताया कि मार्ग पर घटिया किस्म का मटेरियल उपयोग किया जा रहा है, वो मार्ग मजदूर कर रहे लोगों की मजदूरी करीब 2 माह से नहीं दी गई। वहीं ग्राम पंचायत की फुंदीबाई ने बताया कि पिछले 2 माह से पूर्व में हम इस खरंजिए के कार्य मजदूरी कर रहे, आज तारीख तक पैसा नहीं दिया गया। वो सरपंच मजदूरी के पैसे देने की बात आज कल कर टाल रहा है। सरकार गरीबों के विकास के लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जवाबदार इस प्रकार के घटिया निर्माण करके आपके विकास अपना विकास कर रहे। हम मजदूर वर्ग लोग, हमारा परिवार मजदूरी करके गुजर बसर करता है, जिसमें जनप्रतिनिधि हमारे हक के पैसे भी हमें देने में आनाकानी कर रहे। कुछ दिनों से पैसा नहीं मिला है तो जनसुनवाई में जाने को मजबूर होना पड़ेगा। वहीं अन्य ग्रामीणों ने कहा, घटिया किस्म की रेत गिट्टी का उपयोग किया गया है, मार्ग पर बेस नहीं दिया गया, 3 इंच मटेरियल बिछाया जा रहा है मार्ग पर, जिससे पहले बारिश में खरंजा बह सकता है, ना ही किसी सीसी रोड बनने के बाद ना बने पहले पानी की तरी, ना ही गीले टाटों के उपयोग किया गया। मार्ग की सच्चाई सबके सामने, सीसी रोड अभी से उखड़ने लगा है, अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे और मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो बैलगाड़ी दो पहिया वाहनों में इससे निकलने में गाड़ियों के टायर लटक जाते हैं, हवा तो हवा में झूल जाते हैं। लाल सिंह, कहाँ रहते हो आप? काकरिया। दादा बोले आप, रोड बहुत खराब बन रहा है, 3 इंची माल चल रहा है, बिल्कुल न रेती डाल रहे न सीमेंट है। अच्छा, और 1.5 महीने से हमको पैसे नहीं मिले मजदूरी के। मजदूरी के 1.5 महीने से आपको पैसे नहीं मिले? नहीं। तो फिर आप जनपद में गए थे कि नहीं गए? किसी को शिकायत करी? नहीं गए, कहीं जगह नहीं। ठीक है, कहाँ रहते हो आप? क्या समस्या दादा? समस्या ये है, रेती न कहीं नहीं, सब माटी जैसी रेती न सब मिला इधर, सब मिला रहा है। हाँ। अच्छा, रोड अच्छा बन रहा है क्या कि खराब बन रहा है? रोड खराब। अच्छा। हाँ। दादी क्या नाम आपका? हमारा तो फुंदी भाई। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? हम काकरा रहते हैं। हाँ दादी, क्या समस्या दादी? हम ये रोड को बांधने का दाड़की आया था, तो नहीं तो दाड़की मंजूर मिली थी। हाँ। तो ये रोड बना रहे 6 लाख का आयला है। हाँ। तो 6 लाख का तो नहीं बन रहा है न, 60 हज़ार का आयला है माल बस। हाँ, तो वो अच्छा रोड नहीं बनी रहे हो। ठीक है दादी, कच्चा रोड बनाए है। ठीक, तो नहीं तो दाड़की मिलती है हमको मंजूर। कहाँ रहते हैं आप? काकरिया। अच्छा, क्या समस्या दादा अपना? भैया हमारे यहाँ समस्या ये है कि ये खरंजा हो रहा है, वो बहुत घटिया निर्माण का हो रहा है। अच्छा, उसमें ना तो सही माल डाला है और 3 इंची बना है। अच्छा, 3 इंची बना। हाँ, और उसमें ये जो बन गया वो अभी उखड़ रहा है। हाँ, और ना सही तरीके से तरी, ना सही तरीके से माल डाला। अच्छा, और ये एक बारिश में ये बह जाएगा। अच्छा, इसलिए इसको छोड़ो, अधूरा भी छोड़ दिया इसको। ठीक, ना बनाया भी नहीं सही। ठीक है, पंचायत के अंतर्गत एक सीसी रोड बन रहा है, वहाँ पर लोगों का कहना है कि गुणवत्ता यहीन है, प्लस ये पहली बारिश में ही बह जाएगा, ऐसा कुछ मामला है सर, आपकी जानकारी में है क्या? जो आपने आज बताया है जी, मैं अपने यहाँ से इंजीनियर को भेजकर उसकी जांच करवाऊंगा जी, अगर सत्य पाएगा तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सर कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है और अभी तक कोई भी इंजीनियर या सचिव देखने के लिए नहीं गया, ऐसे कोई मतलब सर वहाँ के ग्रामीण जागरूक है तो आज ये खबर आपके पास या हम लोगों के पास आई है, या अगर ऐसा नहीं होता तो क्या ये कार्य पूर्ण हो जाता? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, अंत में हमारा सब इंजीनियर जाएगा, मूल्यांकन करेगा, तभी उसकी राशि आरंभ होगी। ठीक है सर।